हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण शिवराण। अगर आप में से किसी का इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म में इंटरेस्ट है तो आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ जुड़कर काम कर सकते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करने के लिए, लेकिन एक अच्छा ऑप्शन है जो हमारे पास इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़कर काम करने का, वो है इंश्योरेंस एजेंट। कि हम एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर एक हम इंश्योरेंस एजेंट कैसे बने, या इंश्योरेंस एजेंट भी बोल सकते हैं, इंश्योरेंस एडवाइज़र भी बोल सकते हैं, और इंश्योरेंस सेल्स पर्सन भी बोल सकते हैं। तो जो हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री है वो काफ़ी बड़ी है, और इंश्योरेंस के बगैर आज की डेट में कुछ भी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें हैं जो पॉसिबल नहीं हैं। तो जो हमारा इंश्योरेंस है आज की डेट में सबसे ज़्यादा कॉमन हो गया है, और हमें हर जगह इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमारा मोटर व्हीकल इंश्योरेंस है, जिसके अंदर कार इंश्योरेंस आता है, बाइक इंश्योरेंस आता है, उसके अलावा अदर जो हमारे कमर्शियल व्हीकल होते हैं वो भी, उनका भी इंश्योरेंस होता है। हमारे जो मिशलेशन व्हीकल्स हैं या जो हमारे एग्रीकल्चर्स जो व्हीकल्स हैं उनका भी इंश्योरेंस होता है। उसके अलावा जैसे कि हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस भी होता है, हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है, बिजनेस इंश्योरेंस भी होता है, ट्रैवल इंश्योरेंस भी होता है, और अगर किसी कंपनी में, अगर किसी फैक्ट्री में काफ़ी मैन पावर है तो मैन पावर का जो वर्कमैनशिप पावर उसको बोलते हैं, उसका भी इंश्योरेंस किया जाता है। तो जो इंश्योरेंस है वो काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है, और इंश्योरेंस के बगैर आज की कुछ चीज़ें हैं जो पॉसिबल नहीं है। इंश्योरेंस हमें मेनली करवाना पड़ता है। हमारा जैसे होम इंश्योरेंस है आज की डेट में, मतलब क्या है कि इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ये है कि हम अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़कर अगर हम उसके साथ काम करना चाहते हैं तो हम उसके साथ इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम कर सकते हैं, और अच्छी खासी जो अर्निंग है वो भी हम कर सकते हैं। क्योंकि इंश्योरेंस जो एजेंट होते हैं, वो इंश्योरेंस जो एडवाइज़र होते हैं, वो पार्ट टाइम भी इसको कर सकते हैं और फुल टाइम भी कर सकते हैं। यानी कि वो अपने कुछ और अलग कामों के अलावा भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़कर पार्ट टाइम उनके लिए, इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। और अगर कोई फुल टाइम इंश्योरेंस कंपनी को देना चाहता है तो वो फुल टाइम में इंश्योरेंस कंपनी में रहकर भी अपनी सर्विस है वो इंश्योरेंस कंपनी को दे सकते हैं। तो इसमें हमारे पास दोनों ऑप्शन है, पार्ट टाइम भी है और फुल टाइम भी है। तो जो हमारा इंश्योरेंस, अगर हम एजेंट के लिए अप्लाई करते हैं या हम इंश्योरेंस किसी इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट बनते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, मेन वो बात है। तो जो हमारा जो इंश्योरेंस एजेंट अगर हम बनते हैं, तो आप जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, आप पहले तो वो चूज़ कीजिए, वो सेलेक्ट कीजिए। या कि अगर आप में बाइक या कार का इंटरेस्ट है, कि आपको मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो आप मोटर व्हीकल जनरल इंश्योरेंस में भी आप जा सकते हैं। लाइफ में अगर आपका इंटरेस्ट है लाइफ इंश्योरेंस में, तो आप लाइफ जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके अंदर भी आप जा सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप हेल्थ में भी जा सकते हैं। तो हम अगर इंश्योरेंस एजेंट अगर हम बनते हैं, तो सबसे पहले हमें एक IRDA की तरफ से एक एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम हमें क्लियर करना होता है, और जो उस एग्ज़ाम का नाम है वो है IC38। ये एक एग्ज़ाम है। आप अगर गूगल पे सर्च भी करते हो तो IC38 एग्ज़ाम, आप जो क्वेश्चन एंड आंसर हैं वो आप PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप इनका डेमो भी देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मेनली अगर आप लाइफ या हेल्थ या जनरल इंश्योरेंस में जाते हैं तो कॉमनली सेम क्वेश्चन आते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता क्वेश्चन का, और इंश्योरेंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा कोई बाहर का क्वेश्चन भी नहीं आता। और जो IC38 का जो एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम 50 नंबर का एग्ज़ाम होता है, और इसको क्लियर करने के लिए हमें 18 नंबर की ज़रूरत होती है। यानी कि अगर हमारे 50 में से 18 नंबर आते हैं तो हम इंश्योरेंस एजेंट बन जाते हैं, इंश्योरेंस एडवाइज़र बन जाते हैं। यानी कि जिस भी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू हमने अपना जो एग्ज़ाम है वो अप्लाई किया है कि हमने इस कंपनी के थ्रू काम करना है, तो उसके लिए आपको 50 में से 18 नंबर लेने होते हैं। 50 में से अगर 18 नंबर आपके आ जाते हैं तो आप उस इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़कर काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो है इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए, कि आपको सबसे पहले एग्ज़ाम है वो क्लियर करना होता है। उसकी फ़ीस भी आपको पता होगी, 500 या 700 रुपये ही फ़ीस लगती है, और जो टोटल्स जो एग्ज़ाम होता है वो 50 नंबर का होता है, उसमें से हमें 18 नंबर लेने होते हैं क्लियर करने के लिए। अब उसके बाद आता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है, मतलब एक इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए क्या क्या नियम एंड शर्तें वो क्या होनी चाहिए, उसमें सबसे पहले जो है वो है, एक तो एज लिमिट है वो 18+ होनी चाहिए, यानी कि 18+ एज होनी चाहिए, जो हमारी आयु है वो 18+ होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब
क्वालिफिकेशन में ये कि अगर कोई रूरल एरिया से बिलोंग करता है तो उसके लिए 10th अभी है, मतलब 10वीं के बेस पे वो ग्रामीण क्षेत्र से वो अप्लाई कर सकता है, और अगर कोई अर्बन अर्बन एरिया से आता है तो उसके लिए 12th है, यानी कि 12वीं पास शहरी क्षेत्र से। अगर कोई शहरी क्षेत्र से अप्लाई करता है इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए तो उसके लिए 12th है, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए है 10वीं, यानी कि 10th पास वो होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया, तो उसके अलावा फिर आपका जब वहाँ पे सिलेक्शन होता है इंश्योरेंस कंपनी के अंदर सिलेक्शन किया जाता है आपका, तो उस टाइम पे कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो क्या होते हैं, आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, और बैंक जो पासबुक है आपकी, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक की आपके पास पासबुक भी होनी चाहिए, उसकी फोटोकॉपी है, उसमें अकाउंट नंबर, IFSC कोड, आपका नाम, एड्रेस, वो डिटेल्स देखी जाती हैं और वो वहाँ पर फिल की जाती हैं आपकी, मतलब जो पासबुक की कॉपी है एक फोटोकॉपी वो जमा होती है वहाँ पर। उसके अलावा है 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, यानी कि इन सब के साथ में आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की भी ज़रूरत पड़ती है जब आपका ये सिलेक्शन हो जाता है। तो ये बेसिकली ये सारी चीज़ थी, अगर हम एक इंश्योरेंस एजेंट बनते हैं और इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्वालिफिकेशन और क्या नियम एंड शर्तें क्या हैं, और क्या जो कौन सा जो एग्ज़ाम है वो है, तो ये सारी बेसिकली ये इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी, किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे कि अपनी बाइक है या कार की है, मतलब मोटर व्हीकल इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी आपका इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई सवाल है, तो आप हमें पूछ सकते हैं, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम से संबंधित, यानी कि अगर आपका बाइक कार एक्सीडेंट हो गया है और आपको इंश्योरेंस क्लेम लेने में कोई दिक्कत आ रही है, तो भी आप हमें अपने प्रॉब्लम है वो कमेंट्स के जरिए आप लिख सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का, आपकी प्रॉब्लम का समाधान करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। यही इन्फॉर्मेशन थी, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको इजीली आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।